सर जी, मेरा नाम त्रिलोक शर्मा है जी। और मैं जीवन नगर पार्ट टू सोना रोड फरीदाबाद पर रहता हूँ। तो मैंने एक ऑनलाइन कनेक्शन अप्लाई किया था अपने भाई के नाम से, तो जो नॉन डोमेस्टिक था, NDS कनेक्शन था, 10 किलोवाट का था। तो मेरा कनेक्शन 12 मार्च को मैंने अप्लाई करा और वो 12 मार्च को अप्लाई होने के बाद में वो कनेक्शन मेरा पास भी हो गया था, जिसका मुझे मीटर चाहिए, मीटर लगाना था इनको। मीटर लगाने के एवज में इन्होंने मेरे से 30,000 की डिमांड की। किसने, क्या नाम है? ये मिस्टर ताहिर हुसैन है, JE हैं। तो इन्होंने 30,000 की डिमांड की कि भाई हम 3,000 रुपये पर KVA का हम चार्ज करते हैं वैसे तो, पर हमारा जो बार्गेनिंग होते होते बात आई कि भाई 15,000 पर बार्गेनिंग हो गई हमारी। तो 15,000 रुपये पर हमने जब उसका सौदा हो गया तो हमने फिर देखा जी, एक ये बेवजह हमारा 15,000 रुपये जा रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं। जो सरकार का जो फिक्स फीस है वो हमने पे कर दी, ऑनलाइन जरिए करी। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी ला रखी है कि भाई हर चीज़ ऑनलाइन करो जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है रिश्वत का जो है बोलवाला बोल रहा है यहाँ पे, बिना वैसे रिश्वत के काम करते नहीं है। तो हमारा भी दिमाग ठनका कि भाई हम जाके आज इस चीज़ का एक जो है भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, कि जिससे हमने अपना एक कदम बढ़ाया और यहाँ हम अपना विजिलेंस टीम की मदद ली और इनके जरिए इन्होंने एक टीम गठित करी और इन्होंने बड़े ही एक तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया और जिसमें ये इनको कामयाबी मिली। और मैं अपने फरीदाबाद शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो किसी को रिश्वत ना दें और अपने सही तरीके से पारदर्शिता का तरीके से काम करें और अपना यहाँ आके कोई भी शिकायत है तो यहाँ आके उनको शिकायत दर्ज कराएं। सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी करा गया है, उस पर कॉल करके अपना समय लें और यहाँ से टीम के साथ जाएं और इस चीज़ को एक मतलब जड़ से ख़त्म करना हमको भ्रष्टाचार। अच्छा।